चल करें। जी क्या वर्ता आपको विंडो डिफेंडर हो। विंडो डिफेंडर एंड फायरवॉल बोथ मस्ट बी अप। ओके सर, अभी आपको कौन सा स्क्रीन नजर आ रहा है? अपटी सिस्टम का? मेन स्क्रीन यस सर। ठीक है, सो मैंने आपको डेब नंबर वन का जो थ्योरी है वो भी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए, लेकिन जो एंटीना का क्लास है उसका हमने अभी तक तो थोड़ा प्रॉपर मैनुअल तैयार नहीं किया था पिछले सेमेस्टर में, तो इस सेमेस्टर में इसका प्रॉपर मैनुअल डिज़ाइन करेंगे और इसका मेरे साथ प्रॉपर मैनुअल हमने तैयार किया, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, फर्स्ट लेव। फर्स्ट लेव इज अबाउट ट्रांसमीटर एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर लेज़र। हम एक ऐसे ट्रांसमीटर डिज़ाइन करेंगे कि इसमें एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर होगा जो लेज़र होगा। ठीक है, सो इन दिस लैब वी विल फेमिलराइज विद अपटी सिस्टम डिज़ाइन, बट हाउ वी विल फेमिलराइज, सो आई विल शेयर ऑल्सो द स्क्रीन ऑफ माई लेक्चर। I will share the screen. So the most efficient way to become familiarized with FT system design is to complete the lesson located in this documents. ये हमारे साथ एक मैनुअल है, इसमें तकरीबन 10 lessons है, इसमें से कुछ lessons बहुत बड़े हैं, कुछ lessons short है। जो lesson बड़े उसको हम 2 labs में करेंगे और जो स्मॉलर है वो हम एक ही लेब में करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज का जो लेब है ये इसमें हम पूरा चैप्टर्स कवर करेंगे और कमिंग जो लेब्स होंगे इसमें वो थोड़ा बहुत बड़ा है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक प्रॉब्लम को इसी से सॉल्व करें तो इसका एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें प्रॉब्लम सोल्यूशन दिया जाएगा और साथ साथ में हमें अपटी सिस्टम से फेमिलराइज भी हो जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाई वी वांट टू डिज़ाइन सम प्रॉब्लम टू सॉल्व सम प्रॉब्लम हियर इन अपटी सिस्टम एंड यू विल आल्सो लर्न द अपटी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यू विल आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू अपटी सिस्टम। सो द फर्स्ट लेब इज अबाउट transmitter external modulator. This lesson will show you how to create the transmitter using external modulator laser. You will become familiar with the components library and the components parameters and the layout editor and visualizers. So these are the main component we will use. That what is the component library and what is the component parameters, what is the layout editor and visualizer. Okay, so how you will start the apti system. So when you install the apti system, when you install the apti system, and I have created the icon on taskbar, so I'm click on this and it will open. But if you not create icon in taskbar, so you can go to the start menu and type the apti system and click, so the window will be open. The first window will be like this. You see that this is my first window. Okay, so this is the component library. Idhar hamare sath components maujood hai. Theek hai, for example default pe apne click kiya, idhar mukhtalif kisam ke component hai, visualizer, transmitter ki,
WM की ऑप्टिकल फाइबर लाइब्रेरी, एम्पलीफायर लाइब्रेरी, फिल्टर लाइब्रेरी, फेस व्यू लाइब्रेरी, नेटवर्क लाइब्रेरी, सिग्नल प्रोसेसिंग टूल। ये इसमें एक बात ये कि ये मैटलैब के साथ भी आप लिंक कर सकते हैं, जो CST सॉफ्टवेयर है और ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैटलैब के साथ भी लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिज़ाइन आप इसमें नहीं बना सकती, आप मैटलैब में बना सकते, तो ये उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये भी इसमें एक अहम बात है, क्योंकि जो होमवर्क होता वो भी वो नहीं होता था मैटलैब के साथ, इसलिए हमने मैटलैब में अलग इसको यूज़ किया था। मेरे ख्याल में वो भी हो सकता था, अभी मुझसे तो थोड़ा पता नहीं है कि कैसे था, लेकिन ये था हमारे साथ लाइब्रेरी। दिस इज कॉल्ड एडिटर विंडो, ये एडिटेबल है, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका जो मेन कंपोनेंट पोर्शन है, ये आप खुद पढ़िए, कोई बात इसमें नहीं है। आई विल solve a problem here. So for example, how you will design a transmitter. So you know that there are minor four blocks in transmitter: message generator, message modulator, carrier and coupler. Isi tarah na, there are four main blocks in transmitter. You have studied in the theory class. So when you want to do some work here, so you will go to file and then new. So this window will be appear for you. Here you can drag some component from the component library. For example, if you want to design a transmitter, so for transmitter you will need a laser, CW laser. What is mean by CW laser? Continuous laser, continuous wave laser. So what is the function of CW laser? It will generate the light, and this light signal intensity will be changed with respect to our message signal, and this is called intensity modulation. When the intensity of the light is changed with respect to message signal, this is called intensity modulation, and we will generate the message. So for message generator is a transducer which convert non-electrical signal into electrical. So here we will generate digits. So we will generate digits. So this digit will be our message. But for example, how you will generate the digits? You will go to here. You will go to transmitter library. This is a bit sequence generator, and there are two types: user defined and pseudo random. So pseudo random का मतलब है ये generate करेगा, it will generate its own digits. जब आप इसको रन करेगा तो ये अपना digits खुद बना देगा। अगर आप ये देखिए तो इस पर आपने आप से देंगे कि 1101 इस तरह कुछ sequence आप देंगे, तो अगर हम ये उठा दें तो फिर हमें ये टेंशन नहीं होगा कि अभी हमने मैसेज भी जनरेट करना है। सो इट विल जनरेट द मैसेज, दिस इज आवर मैसेज ब्लॉक। But 0101 or 11110 is something. ये आपके साथ कुछ digits है, data है इस पर example ये, लेकिन इसको एक proper form में होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, pulse generator use करने। So pulse generator आप इसके लिए electrical pulse generate करें, फिर electrical pulse को as आपके साथ ये RZ, NRZ ये आपने पढ़े कभी, रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू जीरो? सर वो हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन पढ़ा था, डिजिटल में ये नहीं पढ़ा था, NRZ वो क्या सर, वो
एनालॉग जितना भी था हमने पढ़ा था, लेकिन डिजिटल मॉड्यूलेशन वगैरह हमने ये नहीं पढ़ा था कम्युनिकेशन में। इसको मैं शॉर्टली आपके लिए डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉप करता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड में ना जाए। ठीक है आपको, सो पोलर मैप के साथ आते हैं इनरजेट, इनरजेट एल, इनरजेट आई, आरजेट, मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ये सारा प्रोसेस हमारे साथ आते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अभी ये हमारे साथ है इनरजेट एल एंड इनरजेट आई। इनरजेट एल का मतलब है कि इसका एक स्पेसिफिक लेवल होगा, और आई का मतलब है इन्वर्जन, ये इन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे साथ के इनरजेट एल का जीरो के लिए पॉजिटिव और वन के लिए निगेटिव, जीरो के लिए पॉजिटिव, जीरो के लिए पॉजिटिव, वन के लिए निगेटिव, वन के लिए निगेटिव, वन के लिए निगेटिव और जीरो के लिए पॉजिटिव। सो दिस इज कॉल्ड इनरजेट एल, नॉन रिटर्न टू जीरो। इन आरजेट का मतलब नॉन रिटर्न टू जीरो, क्योंकि ये फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव है तो सारा वक्त पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव है तो सारा टाइम निगेटिव रहेगा, इसमें जीरो आना नहीं है, इसको कहते हैं इन आरजेट एल। ठीक है, समझ आ रही है ना? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डिजिट्स ये इनकोडिंग है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बिट जनरेट किया तो वो फिजिकल लेयर पे तो बिट्स नहीं जा सकती, आप इसके लिए कुछ इलेक्ट्रिकल पल्स सेंड करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल पल्स आप सही से पॉजिटिव वोल्टेज निगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, निगेटिव निगेटिव, तो इसको पता उधर लगता है कि इसने कुछ जीरो सेंड किया। ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह सेम आ रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, इसको हम इनरजेट आई में कन्वर्ट करते हैं। इनरजेट आई का मतलब ये कि अगर आपके साथ तो वन आ जाए तो आपने क्या करना है, लेवल को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल जीरो है तो आपने पॉजिटिव लिया, ठीक है, अभी वन आ गया तो आपने पॉजिटिव से नेगेटिव पे आया नेगेटिव, अब जीरो है ना, जब जीरो है तो आप लेवल चेंज ना करें, सेम आ जाए, फिर जीरो है सेम आ जाए, अभी वन है ना तो लेवल चेंज कर नेगेटिव से पॉजिटिव पे शिफ्ट करें, फिर वन है तो दोबारा से चेंज करी, इसके बाद फिर वन है तो आप पॉजिटिव पे जाए, और इसके बाद जीरो है तो लेवल चेंज ना करे। समझ आती है? यस सर, सिंपल है ना? फॉर एग्जांपल इस तरह है कि ये आपके साथ कुछ एक मैं ये बना दूं, जीरो जीरो वन जीरो वन, तो जीरो के लिए आपने सपोज पॉजिटिव से स्टार्ट कर दिया, पॉजिटिव, फिर जीरो है ना पॉजिटिव, वन है ना चेंज करी, इसके बाद जीरो है ना चेंज ना करी, वन आ गया चेंज करी, इसके बाद अगर दोबारा वन है तो फिर आप क्या करी चेंज करी। सो इसको कहते हैं इनरजेट आई, ये एक किस्म का कन्वर्जन है, इसको हम मैटलैब में भी करते थे, और इसका सिंपल सा कोड था उसके आपके लिए, अब जो भी इंतजार देते थे वो करते थे। ठीक है, so this is called inert l and inert i। इसके बाद है rz, return to zero। return to zero का मतलब है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जीरो के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वन के लिए, लेकिन ये इसके दरमियान भी जीरो के लिए जीरो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीरो के लिए आपने निगेटिव लेवल कंसिडर किया तो हाफ निगेटिव, इसके बाद जीरो पे आ जाए, फिर वन है ना तो वन के लिए हाफ पॉजिटिव, फिर जीरो पे आ जाए। ठीक है, जीरो है ना तो पॉजिटिव जीरो पे आ जाए, सॉरी निगेटिव जीरो पे आ जाए, इसके बाद निगेटिव फिर जीरो पे आ जाए, और वन है तो पॉजिटिव जीरो पे आ जाए, इसका मतलब है ये दरमियान में जीरो पे आते हैं। इस तरह है कि जैसे कि गवर्नमेंट पे मार्शल लॉ लग जाए, अभी इसका हुकूमत या मार्शल लॉ लग गया तो जीरो हो गया, अभी इसका हुकूमत या मार्शल लॉ लग गया तो जीरो। ठीक है, तो इस तरह निगेटिव पीक फिर आपके साथ जीरो, पॉजिटिव जीरो, तो इसको कहते हैं रिटर्न टू जीरो। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम इसमें मजीद भी ख़त्म हो जाएगा। ये स्लाइड अगर आप हो मजीद देख लें, क्योंकि अभी मैं इसको डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ता कि ये हमारी लैब में नहीं आते। ठीक है, अभी बाई फेज इनकोडिंग में आपके साथ है मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के लिए इस तरह की जीरो आप इस तरह इसमें जीरो तक नहीं आना, लेकिन जीरो को आप पॉजिटिव से शुरू करेंगी और इसके हाफ में निगेटिव लेवल पे जाएंगे, और वन को निगेटिव से शुरू करेंगी पॉजिटिव पे जाएंगे। सो इसको कहते हैं मैनचेस्टर। फॉर एग्जाम्पल ये जीरो है ना पॉजिटिव से शुरू किया और दरमियान में निगेटिव तक आ गया,
अब वन है ना तो निगेटिव से शुरू कर गया, पॉजिटिव पे आ गया। अब जीरो है, पॉजिटिव से शुरू किया निगेटिव पे, फिर जीरो है पॉजिटिव से शुरू किया निगेटिव पे। इसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे, इसके लिए ये सिंबल, ये वन है ना तो यहाँ से लेकर इस तरफ वन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर वन है जीरो है तो यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मैनचेस्टर। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में फर्क ये है कि अगर जीरो है तो जीरो पे ये इन्वर्ट होगा, अलग सुपर की बाजार की गर्जे, ठीक है। उधर क्या होता था, माजमीना माइक देव कशवा डिफरेंशियल मैनचेस्टर में, और एक से पहले हमने पढ़ा था इनर्जल आइस में पढ़ के, वो वन पे शिफ्ट होता था, ये जीरो पे चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जीरो है तो जीरो के लिए उसने, इसमें ये बात नहीं है कि आप जीरो के लिए ऊपर से जाए और माइनस के वन के लिए निगेटिव से, आप जिससे भी स्टार्ट करिए कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टार्ट आपने लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जीरो को यहाँ से स्टार्ट किया निगेटिव से, फिर इधर आ गया, इसके बाद वन है तो आपने लेवल नहीं चेंज करना, अभी लेवल पाँच चला है तो आपने इस तरह से इस तरह किया। अब जीरो है तो जीरो पे आपने लेवल चेंज करना है, यहाँ से आ गया फिर जीरो है तो दोबारा से यहाँ से आ गया, फिर वन है ना तो लेवल चेंज ना करें यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद वन है ना तो चेंज ना करें, इसके बाद फिर वन है तो आपने चेंज ना करें, जीरो है तो लेवल यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट करें। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ठीक है। इसको मैंने बहुत शॉर्टली आपको बता दिया कि मैनचेस्टर क्या होती है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर क्या होती है, तो इसलिए ताकि इधर आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। तो कहने का मतलब ये था कि आपने कूट लेनी है डिजिट्स, अब डिजिट्स को फल्स में कन्वर्ट करें तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं RZ और NRZ, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एज पर लेप इधर हमने क्या यूज़ कर दिया, ये डायरेक्टली भी इस तरह कनेक्ट होता है, अगर आप इसको पहले नहीं कनेक्ट करना चाहते तो इस तरह कर दें ताकि आपको कनेक्शन का समझ आ जाए। सो ये मैसेज जनरेट करेगा, ये पल्स जनरेट करेगा। अब इस पल्स को आपके साथ एक मैसेज है, इसको मॉड्यूलेट करना है, मॉड्यूलेट के लिए एक मॉड्यूलेटर होनी चाहिए और एक कैरियर होनी चाहिए। कैरियर आपके साथ क्या होगा, ऑप्टिकल सोर्स, ठीक है, ये सारी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपने अभी थोड़ा बहुत सबका याद नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो सबसे स्टार्ट पे कंटिन्यूस वेव लेज़र इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप फिर किसी भी को यूज़ करें तो इसका थोड़ा बहुत थ्योरी देखें, फॉर एग्जाम्पल LED सर ये करें दोबारा करें संगा दगासर तो दे दगाने रहवा इस तो दे ऑप्टिकल सोर्सेज ना करना ऑप्टिकल सोर्सेज बोले दी देखिए ना डिपार्टमेंट में क्लिक की ट्रांसमीटर लेकर ट्रांसमीटर लाइब्रेरी ऑप्टिकल सोर्सेज ऑप्टिकल सोर्सेज में आपके साथ ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आपने मॉड्यूलेटर यूज करने ना मॉड्यूलेटर तो ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर आप यूज करी, ये एक किस्म का मॉड्यूलेटर है, इसको हम पढ़ेंगे कि मैच जेंट मॉड्यूलेटर कैसे काम करते है। तो ये मैच जेंट मॉड्यूलेटर हमने उठा दिया, ठीक है। तो ये मैसेज जनरेट करेगा और ये पल्स, तो कहने का मतलब है ये मैसेज आपके साथ, ये मैसेज आ गया, ये कैरियर रह गया और एक मॉड्यूलेटर रह गया, तो आपका मैसेज बन गया। अभी नेक्स्ट काम होगा कपलर का, क्योंकि वो जब आप किसी को कनेक्ट करेंगे तब फिर आप उस वक्त कपलर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको इसके साथ कनेक्ट करने का तरीका क्या है, आपने इस पे इस तरह आ जाए तो इस पे प्लस आ जाएगा, जब प्लस आ जाए तो आपने माउस को इस पे क्लिक करना है, आप इसको ड्रैग करना है यहाँ तक, इधर भी प्लस बनता है ना प्लस, तो आपके साथ क्या जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए। इसी तरह ये है इसके साथ क्या करें कनेक्ट, अभी इसका जो आउटपुट है इसका टू इनपुट है, एक लाइट का इनपुट है और एक पल्स का इनपुट है, तो आप इसमें क्या कर दें इसको ये इनपुट दे, माइक आपका दवाई कहीं
ठीक है, मॉड्यूलेटर दे दिए फॉर सही दे सही। ما زمين ته وګوره یو په بازار کې ولې کیمرام ان کړی دا او دا ریړي میړي دا متتولې خې ٹھیک ہے اسا یہ سر دے موبائل کی مسئلہ دا دامی مصری راوڑ لی دے خدا دوست ٹھیک یہ ہم نے کیا بنا دیا یہ ہم نے یہ بنا دیا کہ ہم نے ان چیزوں کو ایڈ کیا اگر ہم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ٹوٹل اسکرین تو آپ کو ہمارا یہ بھی آ جائے گا کہ یہ آپ نے اسٹیپ وائز ادھر ہم نے یہ کام کر دیا سمپل سی कि आपने इधर सारा तरीकाकार है कि डिफॉल्ट पे जो है ट्रांसमीटर पे ऑप्टिकल सोर्स आपने उठानी है, ऑप्टिकल सोर्स में आपके साथ सी डब्ल्यू लेजर आपने उठा दिया और इसके बाद डिफॉल्ट ट्रांसमीटर ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर में मैच जेंडर मॉड्यूलेटर आपने उठा दिया और इसके बाद आपने मैंने इसको पहले लिया, इसने बाद में लिया कोई बात नहीं, इसने अभी सोडो रेंडम बिट्स उठा दिए और इसके बाद पल्स जनरेटर पे जाकर इलेक्ट्रोड में से इनर्जेट पल्स जनरेटर उसने उठा दिया और ये उसने तरीकाकार भी बता दिया कि आप इसको इस तरह ड्रैग करें, मैंने आपके सामने ड्रैग किया ठीक है। इसको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए ये थ्री स्टेप्स है कि जो बिट जनरेटर है इसको पल्स के साथ कनेक्ट करें, इसका आउटपुट इसकी इनपुट के साथ कनेक्ट करें और इसका इनपुट इसके साथ कनेक्ट करें। तो ये काम ने हमने आपको कर दिया। अभी इसमें कुछ चीज़ें विजुअलाइज होनी चाहिए ना, विजुअलाइज का मतलब है कि आपको देखा जाए। तो विजुअलाइज के लिए आपने विजुअलाइजर लाइब्रेरी पे जाकर आपने चीज़ें वहाँ से देखनी है। तो जब इधर आप जाएंगे तो हमारे साथ विजुअलाइज लाइब्रेरी में क्या है, ये देखिए विजुअलाइजर लाइब्रेरी, इस पर मैंने क्लिक किया, तुम्हारे साथ एक ऑप्टिकल भी है एक इलेक्ट्रिकल। अभी इस आउटपुट इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल देखो ने दे, यस सर ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने यहाँ से ऑसिलोस्कोप उठा लिया, ये इसके साथ डायरेक्ट भी कनेक्ट होते हैं लेकिन चलो मैं पेरी नहीं कनेक्ट करता ठीक है। और ये इसका आउटपुट क्या होगा, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। तो इसके लिए मैं ऑप्टिकल पे जाऊंगा, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम इसका मैं देखना चाहता हूँ कि इसका ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम क्या होगा और इसका ऑप्टिकल टाइम डोमेन में ये कैसी विजुअलाइज हो जाएगा ठीक है। तो इसको मैंने माउस वजन लगवा लिखा में बेख खोले कार कर जा दे लगा बल्लेंदा टूल पर माउस पर डिपेंड। अभी इसमें एक बात ये ना, अभी हमारे साथ ये जो वर्जन है तो ये अच्छी वर्जन है तो ये डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट करते, लेकिन पिछले जो वर्जन होता था इसके लिए आपको इसी तरह एक चीज लगा देती, इसका नाम था मनेटर। अभी नहीं है ना, अभी ये देखिए इसकी इर्द गिर्द कुछ स्क्वायर तो नहीं बने ना, रेक्टेंगल शेप होता था ना, जो नश्ता का ना डेल्टा में नश्ता उस गोर दाव पखपल है जोड़ से दा जोड़ से दा स्क्वायर शेप, यस सर। इस स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं मैनीटर। जो पिछले वर्जन था तो इसमें पहले आप मॉनिटर उठा देते तो तब आप इससे टू कनेक्शन लेते थे, क्योंकि अभी से मैंने एक कनेक्शन इधर ले लिया और एक कनेक्शन इधर ले लिया। सो ये इस तरह नहीं करता था क्योंकि अभी अभी मैं भी इस मॉनिटर से कनेक्ट और ये भी इस मॉनिटर से कनेक्ट, इस मॉनिटर से आप ज़्यादा भी कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है। अभी ये देखिए इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया ठीक है और इसके साथ ये कनेक्ट, अभी मैं इसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर दूँ मालूम है किस तरह कुछ इस तरह चीजें होती है ठीक है। पल्स को तासो का तो कहना है दासी दासी पल्स नहीं जोड़ा हुआ दासी क्या ना ठीक शो ना दा पल्स बमाता सुशो कई ये मैं ये बता देगा और ये हमारे साथ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम होगा, इसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, स्पेक्ट्रम पीजे नहीं
ये भी तक इसके तरह होगा रेंज या फ्रीक्वेंसी सर ठीक है सो इधर हम वेवलेंथ का एस्पेक्ट है हमारे साथ होगा कि इस वेवलेंथ वाली का कितनी पावर है इस वेवलेंथ का कितनी पावर है तो इसका ये हमारे साथ स्पेक्ट्रम होगा जैसे कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी में एक स्पेक्ट्रम पढ़ा था सन रेडिएशन के जो सन रेडिएशन आ रहे थे तो इसका हमने कुछ इस तरह स्पेक्ट्रम बना दिया था इस तरह था ना यस सर कुछ इसमें विजिबल रेंज था अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेंज और इंफ्रारेड इस तरह था और ये हमारे साथ क्या था इधर वेवलेंथ थी और इधर इसका क्या था रेडिएटिव पावर तो इधर भी हमारे साथ क्या होगा इधर वेवलेंथ होगा इधर रेडिएटिव पावर होगा सो ये हमने ये तो जस्ट हमने बना दिया अभी इसमें इस तरह ना कि ये जो पैरामीटर्स है ये दीज आर कॉल्ड ته یو خو نوم خو زبوتون چې دا ویژو کم چې آیکان والا ښکاری دا مکسن وایو ټول یې در کوګا ته کنیکټینګ وګیا اسکو کې دې مانیټر ټو اسکو کې دې مانیټر ټو مانیټر ٹھیک ہے لیکن پچھلی والی میں ہم اس کو لیتے تھے अब ये कंपोनेंट पैरामीटर तो इसमें सबसे पहले एनर्जी लेआउट डिस्प्ले पैरामीटर देखे हैं डिस्प्ले पैरामीटर्स एंड लेआउट सो आप डिस्प्ले पैरामीटर कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल इधर हमारे साथ इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी पावर डिस्प्ले हो रही है ठीक है अगर आप इस तरह इसमें क्या करें इस पर भी क्लिक करें इस पर भी क्लिक करें और ओके कर दें तो अभी देखिए ये सारी डिस्प्ले हो रही है समझ आ जाए इसको अगर आप टेक आउट करे वापस से तो बाय डिफॉल्ट इसमें ये था कि फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी थी और पावर इसमें कितनी थी तो दीज आर कॉल्ड डिस्प्ले पैरामीटर्स इसको ओके करे तब साथ जस्ट टू आ जाए इसका फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें से क्योंकि ये देखना चाहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी और पावर के अलावा कुछ और या इसकी पावर भी आप नहीं देखना चाहते जैसा फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं और फिर इसको आप इधर कुछ यूज़ करते तो इसको अगर डिस्प्ले में इधर मौजूद हो तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं इसको कहते हैं डिस्प्ले पैरामीटर्स कि आप इसको डिस्प्ले पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं और कैसे चेंज करेंगे डबल क्लिक करें किसी भी पर एग्जांपल इस पर आप डबल क्लिक करें अब इसका ये बिट रेट के सामने टिक है और के सामने आप किसी के सामने इसका टिक लगा दी तो ये इधर क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले पैरामीटर्स एंड हाउ यू विल डू सो बाई डबल क्लिक ऑन द आइकन टू विच यू अपडेट द डिस्प्ले पैरामीटर and and tick data was away the data mark sir and tick mark and the print of that parameter so it will be appear here okay so this is called display parameters सर एक काम तो इसमें है कि आप डिस्प्ले पैरामीटर कैसे अपडेट करेंगे तो एक मैंने इसको आपको बता दिया क्योंकि ये जो कमिंग्स लैब्स होंगे इसमें फिर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप डिस्प्ले पैरामीटर्स को कैसे चेंज करें इधर हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंगे लेकिन फिर भी आपको हम बता देंगे कि इसकी वैल्यूज है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से चेंज हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे इसका अगर आप देख लें इसके ये वैल्यूज है ये नॉर्मल वैल्यू बाय डिफॉल्ट ने ये लिए 193.1 टेराहर्ट्ज आप चेंज कर सकते हैं ठीक है इसको हर्ज में और एनएम किस चीज़ के बराबर होते हैं हर्ज में नैनोमीटर लेता है सर मतलब हर्ज में रिवर्ट करते हैं 10 के पावर 14 तक जाती है और अगर आप टेराहर्ट्ज में तो ये 193.1 इसके आते हैं ठीक है इसके बाद है पावर
पावर आप वाट में मिली वाट और डीबीएम में भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हम कमिंग थ्योरी क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि वाट, मिली वाट और डीबी, डीबीएम, डीबी माइक्रो की ये चीज़ें क्या है और इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इधर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कि पावर आपके साथ वाट में भी आ सकता है, एफिशेंसी भी अगर आप कंसिडर करें, एफिशेंसी पावर आपके साथ वाट में भी आ सकते हैं, और अगर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एफिशिएंसी आप डीबी में कैलकुलेट कर सकते हैं और डीबीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डीबी माइक्रो, ठीक है। ये अब इस पे हम छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी करेंगे कि एक वैल्यू एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट करनी है, फिर उसको डीबी में, डीबीएम में, डीबी माइक्रो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे कमिंग लेक्चर इस पे भी होगा, ठीक है। कि क्योंकि जब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आप पढ़ेंगे तो आप इस पे ब्लॉक्स होंगे, हर ब्लॉक का एफिशिएंसी आप देखेंगे, तो इसके लिए आप कैसे देखेंगे, सबसे पहले आपको ये होनी चाहिए कि एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है और एफिशिएंसी आप डिफरेंट ब्लॉक्स की कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको डीबी और डीबीएम में रिलेशन के, तो ये चीज़ें हम कमिंग थ्योरी के लेक्चर में पढ़ेंगे, समझ आती है। सो ये कि इसका यूनिट्स आपने चेंज करना है। इसके बाद इसके मूड्स है, मूड्स भी आपके साथ कितने किस्म के हैं, तीन किस्म की, नॉर्मल, स्वीप, स्क्रिप्ट। नॉर्मल तो आपके साथ बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू है, इसको नॉर्मल कहते हैं। स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, स्क्रिप्ट को अगर आप कह दें तो आप इसकी वैल्यू खुद से लिखेंगे, ठीक है। और एक है आपके साथ स्वीप, तो स्वीप कमांड को हम लैब्स में, दोनों लैब्स में करेंगे कि स्वीप पैरामीटर्स का क्या मतलब होते हैं इन केस ऑफ सीएसटी और इन द केस ऑफ अप टी वेव। स्वीप इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं कि अगर मेरे फ्रीक्वेंसी 193.1 से लेकर 195.1 तक जाए सो इसमें कितनी वेरिएशन होंगी, ठीक है। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि पहले आप इधर 193 के लिए रन करें, रिजल्ट्स चेक करें, इसके बाद 192 के लिए, 194, 195 इसके लिए, हर के लिए क्या करें, रन करें। तो स्वीप पैरामीटर आपके लिए ये काम करते हैं कि आप इनको कुछ रेंज दे दें और इस रेंज में आपके लिए बाय डिफॉल्ट सिमुलेट हो जाएगा, फिर आप देखेंगे कि इसमें सबसे अच्छी कौन सी। सो इसके लिए कहते हैं स्वीप पैरामीटर्स। सो इधर तो आप इसको अभी नॉर्मल जितनी भी वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट की जितनी भी वैल्यू है वही यूज़ करते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको ये बता दिया कि अगर आपने इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करें, क्योंकि इन कमिंग्स लैब्स वी विल अपडेट आवर लैब्स, सो फॉर दिस वी विल यूज समटाइम स्क्रिप्ट, समटाइम स्वीप, ठीक है। सो हाउ यू विल कन्वर्ट, हाउ यू विल यूज दिस टर्म्स। तो ये आपके साथ आ गया, ठीक है। स्क्रिप्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया कि स्क्रिप्ट क्या चीज होते हैं। अगर आप विजुअलाइजर की कुछ वैल्यू देखना चाहते हैं विजुअलाइजर की, तो विजुअलाइजर पे आप इस तरह डबल क्लिक करके फिर भी आ सकते हैं, फिर इसकी या इसमें इस तरह कर दी कि इस पे राइट क्लिक करके इसके पॉप मेन्यू पे जाकर कंपोनेंट प्रॉपर्टीज पे जाए, ठीक है। सो इधर आप इसकी कुछ भी अगर किसी तरीके से चेंज करने है, इसके जो भी आपने करने है, अगर आपको दरकार है तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डबल क्लिक से इसकी इतनी वैल्यू नहीं आती, डबल क्लिक से इसके जस्ट ये पोर्शन आता था, इससे भी आप जा सकते थे इधर कुछ कॉर्नर पे, ये हाँ ये देखिए, इस पे भी आप कुछ इधर प्रॉपर्टीज वगैरह देख करें तो शायद आपके साथ आ जाए। लेकिन एक आसान सी तरीका इसके है कि इस पर आप राइट क्लिक करके इसके कंपोनेंट प्रॉपर्टीज पे जाए, तो आपको अगर आप चेंज करना है तो आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो इस लैब में हमने एक तो ट्रांसमीटर डिज़ाइन किया और साथ साथ में हमको हमने आपको क्या किया, आपकी नॉलेज को अपडेट किया कि आप कमिंग लैब्स में अगर कोई चीज़ को डिज़ाइन करना चाहते हैं और इसके आप कुछ पैरामीटर्स को इधर डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसकी कुछ पैरामीटर्स को चेंज करना चाहते हैं, इसको स्वीप करना चाहते हैं, इसमें कुछ स्क्रिप्ट डालना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी है, इस मैंने इसके लिए कर दिया था, आप इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं। और मैंने जस्ट इसके लिए कर दिया, पॉप मेन्यू पे जाकर
इसके प्रॉपर्टी चेंज, आप इसके लिए भी चेंज, इसके लिए भी चेंज कर सके, ठीक है। सो क्योंकि इस लैब के स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बता दी कि इसका इस स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड आल्सो वी विल स्टडी दैट हाउ वी विल यूज द अपनी सिस्टम। सो एक तो आपके सिस्टम का नॉलेज हमें आ जाएगा और साथ साथ में हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस पर आगे जाएंगे। सो ये हमने अभी डिज़ाइन किया, अभी इसको आपने कैसे रन करना है कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। अभी ये कि इसका फ्रीक्वेंसी कितने 193.1 टेरा हर्ट्ज़, समझ आती है। तो इसका वेवलेंथ क्या कितना होगा, शाबाश, कोई इधर कैलकुलेट कर सकते हैं। F is equal, lambda is equal to 1 divided by F. इधर लिख ले, शाबाश। इधर लिख ली, यस। ये तो आप बहुत बड़ी बड़ी लिखे, आप नहीं लिख सकते सर, लिखकर सही नहीं की, वही लिखी जी चुको हम दादा बोरे। आप बोलिए मुझे क्या आप क्या लिखना चाहते हैं। F is equal to lambda by 4 सर, ये भी आप क्लियर करें। इससे आप लिख ली कि इसके C is equal to F lambda, ये ना। Yes sir. Lambda is equal to C by F. Yes sir. What is the value of the C? 3 × 10⁸. What is the value of F? 193.1 terahertz. 10 के पावर व्हाट? माइक्रो में भी कन्वर्ट करें अगर 0.000 सब कुछ वैल्यू है। माइक्रोमीटर, समझ आती है, ये वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस पर पावर का रेडिएशन इस पोर्शन पे बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आपने रन करने तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका कार्य है, एक आप ये कि फाइल पे जाकर कैलकुलेट, फिर आपके साथ ये चीज आ जाएगा, ये यहाँ से भी आते हैं। अभी आपने कैलकुलेट होल प्रोजेक्ट ये करनी है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है ये हम करेंगे कि हमने डेटा का में भी ऑप्टिमाइजेशन कर दिया था, इधर भी ऑप्टिमाइजेशन का लैब करेंगे कि फिर रन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। स्वीप कमांड जब यूज करेंगे तो कैलकुलेट ऑल स्वीप आइटरेशन, ठीक है, करंट स्वीप के लिए। ये अभी हम जो है कैलकुलेट होल प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने कुछ स्वीप वगैरह सब कुछ नहीं किए, इसको आपने क्या करें रन करने, यहाँ से ये देखिए सक्सेसफुली रन हो गया, इसको आप क्रॉस करें। अभी इसका सिलोस्कोप पे आप देखिए तो ये आपके साथ वही वैल्यू है ना,
इसका पल्सिस उसने जो जनरेट किए इसका पल्सिस इधर आपके साथ ये आ रही है कि इनर्जेट का जो इलेक्ट्रिकल पल्स था वो आपके साथ ये देते और अगर आप इस पे क्लिक करें ये देखिए 1.553 इधर गया। इसको जो पावर है तो इस पोर्शन पे मैक्सिमम है ठीक है क्योंकि ये 1.93 के जो आस पास पोर्शन है इस पे पावर मैक्सिमम है और इधर पावर के साथ इतनी नहीं है क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक बैंड होता है कि स्पेसिफिक बैंड में काम करता है ठीक है ये बोल इधर आपके साथ पावर ज़्यादा इस वेवलेंथ का इस वेवलेंथ का पावर ज़्यादा है और इसका आपने क्या करें कम है इसमें नॉइज़ नहीं है क्योंकि ये तो हमने कुछ दूर नहीं सेंड किया इसमें नॉइज़ नहीं है ठीक है और आल इसमें ये है इसके बाद अगर आप इस तरह इसको कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसमिट करें और कुछ डिस्टेंस पे इसको चेक करें तो इसमें फिर नॉइज भी होगा तो इधर अभी इसमें नॉइज नहीं है क्योंकि अभी तो हम ट्रांसमीटर ही में है ट्रांसमीटर में अगर नॉइज आई है तो फिर इसका कुछ फायदा नहीं है ये देखिए इसका एक्स कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट इसका नहीं है सो पावर इसका मतलब है कि ये एक एक किस्म का सिंपल सा पावर आपको देता है कभी कभार ये चलो इसका इतना टेंशन ना लेके एक्स और वाई का क्या मतलब ये कर देंगे लेकिन कहने का मतलब ये था कि ये आपका स्पेसिफिक वेवलेंथ की पावर शो करते कि ये जो ये वाली फ्रिक्वेंसी है तो इसका पावर ज़्यादा है ये आप थोड़ा बहुत क्योंकि एक स्पेसिफिक बैंड पे ये क्या जाएगा पावर हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा तो ये अब वही बैंड आपको शो करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पे पावर ज़्यादा है अगर पावर इसका कम है तो इसको इस सिग्नल को अगर आप ट्रांसमिट करें तो रास्ते में इसकी पावर और भी कम हो जाती है एटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल विल बी टेक प्लेस सो इट मीन दैट इट विल बी डिस्ट्रॉय सो हम ये स्पेसिफिक बैंड को अगर हम यूज़ करें तो हमारे साथ ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगा ये देखिए जूम ये जूम ऑपरेशन भी है पर हम पर इसको जूम करना चाहते हैं इस पोर्शन को ठीक है मैंने किस पे जा गया इस पे जूम पे अब इसमें जूम आउट कैसे करेंगे इसे भी आप कर सकते कुछ राइट क्लिक करें फिर उस तरह जूम करें तो याद कर सकते और भी जूम हो गया चलो मैं क्रॉस करता हूँ दोबारा क्या तो याद है दोबारा भी हुई सर ऑटो सेट हुआ है ना तो कम दिया ऑटो सेट राइट दे क्रॉस नख का तो सर राइट सेट पर पास फास्ट है सर वेवलेंथ पास बस ठीक शुक्र ना टू सेट शुक्र यस सर ठीक दादा यादव शीश गुड ऑटो सेट ये गया तो आपके साथ कहने का मतलब ये कि अगर आप इसको कुछ ये देखना चाहते हैं कि ग्रिड ग्रिड ऑफ हो गया ग्रिड ऑन करना चाहते हैं ठीक है इस तरह कुछ स्पेसिफिक पोर्शन को जूम करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इधर आपके साथ सेलेक्ट भी है और जूम भी है हैंड कमांड भी है ये ट्रेसर मतलब ये यहाँ से कुछ वेल आप ट्रेस करना चाहते हैं ठीक है वे स्पेसिफिक वेल को ट्रेस करना चाहते हैं फॉर कि इस पे इसकी वैल्यू कितनी ठीक है अभी इसका मतलब ये कि जिसने पोर्शन पे इसने क्रॉस किया तो उसकी इसके साथ मिला दी तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है तो इसको कहते हैं ट्रेस करना समझ आती है ना या मार्क करना चाहते हैं ठीक है तो ये विजुअलाइजर के अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं ठीक है तो समझ आ गया कि इस लैब में हमने क्या करना था और हमने क्या कर दिया और इसके जितने भी मजीद लैब्स हम करेंगे तो इसका थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन आ गया तंबल आपने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को जूम करना है इसको ट्रेस करना है इसको चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे सो क्योंकि फर्स्ट सेशन था तो फर्स्ट सेशन इसका थोड़ा
मजीद का भी आपको इंट्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि मजीद हम इसमें क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे. सो होप यू विल हैव लर्न मोर. सो एनीवन शेयर द स्क्रीन एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम अगेन. स्क्रीनशॉट दर वो वो बस जिस वाला सॉफ्टवेयर वर्ट इंस्टॉल करो स्क्रीन पे शेयर करो. ना ना बोल चाचा कड़े सर जिस दो को मैं 2 मिनट. ओके जी मां करे उदे आखिरी रन को लुजी के लगा मसाला उस कोई पे नहीं सुन सर जी मां करे जो शेयर को मैं 1 मिनट मस्त आराम से हेल्प को ऐसे ही दादा बस ये 5 ये 2-3 मिनट हमारा रखे हता सुबह के ओकास पे शेयर के जरा आ अलग जब शेयर कम मत बस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल की कने बिलालियो अकल यार के ना सॉफ्टवेयर खल का दग के इस्तेमाल कोर के इंस्टॉल है बाहर द क्लास ना बाहर. हां जी हां जी हां जी यस सर. ओके सर ओके सर सॉरी. अलग का रिकॉर्डिंग आन दे बोए دلاشا چینج سیٹنگ دلاشا وہ
دا ڈیسکٹاپ فل نیم دا کاپی کر ڈیسکٹاپ فل نیم فل کمپیوٹر نیم دا کشا کنٹرول سی اس فائل چرتا پرو دے اس کو یہاں سے نہیں کچھ پورشن میں یا چل ادھر کر دیں ایکسٹریکٹ ہیئر کر دیں میں نے اس کے لیے بھی آپ کے لیے ریکارڈنگ اسٹارٹ کیا اگر کسی کو پھر مسئلہ ہے تو یہ جو لیکچر ہم اپلوڈ کریں گے اس کی اینڈ میں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں